क्रॉस होने में इजी होगा। ये बड़ा मेन पॉइंट और बड़ा अहम पॉइंट है जो कि 99% मैं बोलूंगा लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है। हमारी जो क्लीनिंग एरिया है वो भी हमारा रेडी हो गया है, XLP सिमी कनेक्टर भी हमारा रेडी हो गया है, और ये जो हमारा टेम्पर है वो भी रेडी हो गया है। तो एक दफ़ा दोबारा आपको झलक दिखलाते हुए कि 21 cm आपने कॉपर शील्ड से कनेक्टर रखना है, ठीक है। कॉपर शील्ड से कनेक्टर आपने 21 cm एरो टू एरो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइए, तो कनेक्टर से यहाँ तक जो है कॉपर शीट तक 21 cm और नेक्स्ट 19 cm, और ये 19 cm 2 cm यहाँ से जो है छोड़ने के बाद में यहाँ से ये 90 cm कनेक्टर तक है, उसके बाद में 70 cm XLP कनेक्टर तक सिमी कनेक्टर रिमूव किया है। अभी यहाँ पे आ जाइए, ये 70 cm, तो पहले 21 cm, फिर 190 cm और फिर 170 cm, उसके बाद में 6.2 इसका कनेक्टर है जो कि लक्स इसका बनाना है, ये 6.2। उसके बाद में ये तीनों चीज़ें रेडी होने के बाद में आउटर शीट और सेमी कनेक्टर और इसकी टैम्परिंग होने के बाद में हमने इसमें सिंपल फिनिशिंग ट्यूब चढ़ा दी है। अभी जो कि ये है कॉपर शील्ड, ये कॉपर शील्ड में है तो इसको ग्राउंडिंग देने के लिए ऐसी स्टेप्स बीच में आती हैं, ये देखिए इस तरह की स्टेप्स बीच में आती हैं, और उनको आपने जो ये कनेक्टर वाली साइड है जो ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है उसको आपने बैक साइड पे रखना है, और यहाँ पे कॉपर शील्ड के ऊपर आपने इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ये आपने कॉपर शील्ड पे ये, उसके बाद में इसको दो राउंड घुमाने के बाद में स्टील क्लंप को आपने, स्टील रोल क्लंप जो है इसको आपने लगाने के बाद में ये जो कॉपर ग्राउंडिंग है फिर उसके ऊपर आपने क्लंप को इस तरीके से, तो इस तरीके से जो मास्किंग टेप है, मास्किंग फिलिंग टेप, वो आपने इस तरीके से लगा लेनी है क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे ताकि ये कटे नहीं जब हम इसको हीट करें, और ये आपका वाटरप्रूफ का भी काम देगी। तो हम इस तरीके से अब इसको हीट करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी इसके अंदर स्ट्रेस कोन अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ करेंगे हाँ जी। तो 185 प्री मोल्ड टी टाइप टर्मिनेशन सिंगल कोर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और देखते रहिए चैनल लाइव विद काशिफ परदेसी में। तो हाँ भाई, हम स्ट्रेस कोन को अप्लाई करेंगे केबल के ऊपर, ठीक है जी। वाटरप्रूफ करने के बाद में सीलिंग टेप लगाने के बाद में अभी ये ग्रीसिंग कर दी है जो कि इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ से ग्रीसिंग हो गई है, और अभी ये इसके ऊपर इंशाल्लाह ये अप्लाई होने लगा इस तरह से। तो ये हमारा अप्लाई हो गया है जी, स्ट्रेस कोन जो है हमारी अप्लाई हो गई है इसके ऊपर, फेस के ऊपर। स्ट्रेस कोन का जो अंदर इसमें जो सिमी कनेक्टर का एरिया, वो ये वाला सिमी कनेक्टर का एरिया, इसमें जो सिमी कनेक्टर जो मटेरियल लगा वो ये है। आपका जो स्ट्रेस कोन के अंदर जो सिमी कनेक्टर का एरिया वो लाजमी आपके केबल के सिमी कनेक्टर से लाजमी अटैच होना चाहिए। सॉरी, इट्स मीन के जैसे ये केबल का सिमी कनेक्टर का एरिया और ये हमारी स्ट्रेस कोन है। स्ट्रेस कोन अगर हम
इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो इस तरह नहीं छोड़नी हमने, चलाने के बाद में सिमी कनेक्टर से केबल का सिमी कनेक्टर और आपकी जो स्ट्रेस कोन है ये वाली, इसका सिमी कनेक्टर आपस में टच होना चाहिए, तब जाके दोनों केबल की लैब बनेगी और पावर उसमें क्रॉस होने में इजी होगा। ये बड़ा मेन पॉइंट और बड़ा अहम पॉइंट है जो कि 99% मैं बोलूँगा लोगों को इस चीज़ का इलम नहीं है। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने 3 से 4 5 जो है आपने लगा लेने हैं, ठीक है। अपने साइज के हिसाब से आपने जो आपका हाइड्रोलिक पंच है, मेरे पास इलेक्ट्रिक पंच भी है और हाइड्रोलिक प्री मोल्ड टी टाइप जो टर्मिनेशन है, यानी इसको राइट एंगल बोर्ड भी बोलते हैं, साइड में प्री मोल्ड टी टाइप टर्मिनेशन, ठीक है, राइट एंगल बोर्ड। तो इससे पहले 3 कोर 185 की केबल में ये अप्लाई किया था, तो अभी हम सेम मेथड सिंगल कोर 185 की केबल पे सेम हम अप्लाई करेंगे। और आप ये, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, बाकी सारा मेथड जो है ना वो सेम ही होता है कि जो हमने डमी इंसुलेटर पे अप्लाई किया था, ठीक है। बाकी आप उसको जाके वीडियो को देख सकते हैं, तो ये आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि ये कैसे होना है इसके ऊपर। तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि अंदर से कनेक्टर जो है, लग्स जो है वो बॉडी को टच हो गया है। तो अभी ये डमी इंसुलेटर के ऊपर लगने के लिए रेडी है, जैसा मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं कि इंसुलेटर के ऊपर ये प्री मोल्ड टी टाइप टर्मिनेशन अप्लाई कैसे करना है। तो आप वो वीडियो को और ये वीडियो को सेम जो है ना एक टाइम पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ करने के बाद में ये प्री मोल्ड टी टाइप टर्मिनेशन 185 सिंगल कोर, और वो है प्री मोल्ड 3 कोर 185 टी टाइप टर्मिनेशन और डमी इंसुलेटर के ऊपर रेडी किया है। और अभी इसको मैं डमी इंसुलेटर के ऊपर रेडी नहीं करूँगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये इसकी ग्राउंडिंग है, ठीक है, इसका साथ में छोटा क्लंप भी दिया होता है उन्होंने, जो कि छोटा लग्स होता है, वो इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद में, इसको पंच करने के बाद में ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग के साथ आपको टाइट करना होता है। तो इंशाल्लाह वो भी कभी मौका आएगा, वो भी आपको